हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आजकल आप क्लॉक स्टाइल किस प्रकार से चेंज करते हैं, कैसे सेट करते हैं बताऊंगी। जो आपका स्क्रीन लॉक पे और ये वाला मतलब टाइम दिखता है आपको टाइमर, तो आप कैसे पैटर्न चेंज कर सकते हैं आप इसका, वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है और सैमसंग का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है। और अगर आपने पहले स्क्रीन लॉक आपको लगा लेना है, अगर नहीं लगा हुआ है तब आपको क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन आएगा एंड मतलब क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन तभी आता है एंड क्लॉक स्टाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप कौन से लगाना चाहेंगे एंड जैसे कि मुझे और ये वाला ज़्यादा पसंद आता है। एंड इसके बाद आपको कलर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आता है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, डन पे क्लिक कर देते आपका ऐड हो जाता है। बट ये थोड़ा कलर वैसे लग रहा था, ब्लैक ले लेते हैं एंड डन पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक वाला सेट हो जाता है। एंड इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ से कलर डिफरेंट टाइप का भी ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कलर आपको दिख जाएंगे एंड इस तरीके से ऐड करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट होता है या नहीं, तो बट उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए सेट नहीं हो पा रहा। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वैसे इसी तरीके से चेंज करते हैं अगर चेंज करना चाहे तो, एंड थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, बट इसी तरीके से सेट करते हैं। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।